हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 9 तारीख जुलाई की और आप देख रहे हैं स्नेहास ग्रीन फेरी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, अभी मानसून का सीज़न है और सभी जगह बारिश खूब अच्छे से हो रही है। क्लाइमेट में काफ़ी नमी है दोस्तों, और इसी नमी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो काफ़ी ग्रो करते हैं और हमारे खाने तक से लेकर के प्लांट्स को भी प्रभावित करते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, प्लांट्स जो है वो रेनी सीज़न में ग्रो तो काफ़ी करते हैं क्योंकि बारिश का पानी उनके लिए अमृत होता है, लेकिन साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे कीट पतंग जो होते हैं, वो पौधों को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, इसको क्लीन रखने के लिए जो सावधानियाँ मैं आपको बता रही हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप ये कर सकते हैं कि अपने पौधों को विनेगर से स्प्रे करें। विनेगर एसिटिक एसिड होता है जिसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। अगर आप उसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल करके सभी को स्प्रे कर दें प्लांट्स को, तो कीड़े नहीं लगेंगे, परेशान नहीं करेंगे प्लांट्स को। और दूसरा, आप बेकिंग सोडा भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं। बेकिंग सोडा जो है वो भी कीट पतंगों को दूर रखता है, अगर आप उसको अपने प्लांट्स में स्प्रे कर दें। और तीसरा बहुत सावधानी है बारिश के दिन में फ्रेंड्स, कि आप अपने प्लांट्स को फंजीसाइड्स से भी स्प्रे करें और मिट्टी में भी मिला दें ताकि कोई फंगस ना लगे इनके रूट में और ना ही कीड़े मकोड़े इनके नज़दीक आए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों बारिश के दिन में, क्योंकि बारिश साथ ही साथ लाती है, हरियाली तो लाती है लेकिन काफ़ी सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स भी लाती है। स्पेशली कंटेनर गार्डनिंग में दोस्तों ये सब बहुत ही ज़रूरी है। ज़मीन के मुकाबले कभी भी कंटेनर गार्डनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दोस्तों, इसीलिए आप लोग इन सब चीज़ों से प्लांट्स को स्प्रे करें, अपने पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाएं। ये बहुत नुकसान करते हैं और इनकी संख्या इस टाइम बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम बारिश में इन सब चीज़ पर ध्यान दें दोस्तों। ऐसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बारिश हो रही है हमारे एरिया में, आपके एरिया में भी हो रही होगी। तो फ्रेंड्स, और अगर आप कोई केमिकल चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने प्लांट्स के पॉटिंग सॉइल में हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जो है इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि प्लांट को कीड़े लगने से बचाते हैं, रूट को भी रूट रॉट होने से बचाते हैं। और हल्दी में काफ़ी सारे विटामिन्स भी होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करती है फ्रेंड्स। और फंजीसाइड में आप साफ या पेबिस्टिन यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इफ़ेक्टिव होता है नीम, आप नीम के पत्तों को पीस करके अपने पौधों में डाल सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि नीम से बड़ी तो कोई दवा होती है नहीं। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड बाय बाय।